उड़ीसा सीमा से लगे देवभोग क्षेत्र में उड़ीसा से आने वाले धान को रोकने प्रशासन ने 15 चेक पोस्ट लगाया है, लेकिन रोकने की जवाबदारी स्थानीय कर्मी और होम गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के तुलना में सीमा से लगे उड़ीसा के कालाहांडी, नुआपाड़ा और नवरंगपुर जिले में धान की बम्पर पैदावारी होती है और कीमत में भी जमीन आसमान का अंतर है। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2800 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है, वहीं उड़ीसा में धान की सरकारी कीमत महज 1800 रुपए है। वहां विक्रय प्रक्रिया भी जटिल है, ऐसे में उड़ीसा का धान हर बार की तरह इस बार भी बिकने के लिए कोचियों के माध्यम से पहुंच रही है। सरकार ने 15 क्विंटल प्रति एकड़ लेने का ऐलान किया, जबकि यहां का औसत उत्पादन 8 से 10 क्विंटल है। यही वजह है कि कोटा पूरी करने यहां के हर किसान को उड़ीसा के धान की आवश्यकता होती है। खरीदी शुरू होने से पहले कई किसान अपने घरों में उड़ीसा का धान डंप कर लेते हैं। अभी पटवारी का है सर और रोजगार सहायक सचिव पटवार और पुलिस चक आरक्षक के जी। तो यहाँ पे कैसे कोई नहीं है? कोई तो आए नहीं है। आप अकेले हो? मैं अकेला हूँ आज। पुलिस कितनी है यहाँ पे? पुलिस जो है ना वो झीरी पानी और यहीं दो जगह देखना है मेरे को, बोल रहे थे अभी आए थे तो। एक पुलिस दो जगह देखे? हाँ एक ही। बाकी और स्टाफ कहाँ गया? आए नहीं। रहने वहने का कोई यहाँ पे बंदोबस्त? बंदोबस्त तो कुछ नहीं किया है सर, आके देख रहा हूँ तो नकाबर बना दी है। और कोई मतलब नहीं? बाकी बैठने उठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। खड़े खड़े दोगे ड्यूटी? वही तो सर, आके गाड़ी खड़ा किया। और ओडिशा से छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए आने वाली धान को प्रशासन ने जब्त करने का अभियान तेज कर दिया है। पिछले 3 दिनों में देवभोग SDM ने 3 गांवों में 700 से ज्यादा बोरा धान जब्त किया है। सीमा पार कर धान लाने वाले 4 वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। नाकों पर आधी अधूरी व्यवस्था के चलते धान रोकने के हर प्रयास का काट निकाल कर तस्कर अब भी ओडिशा का धान लाने में सफल हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अवैध परिवहन रोकने चाक चौबंद व्यवस्था करने का दावा किया है। जो देवभोग ब्लॉक है वो उड़ीसा से 3 साइड से घिरा हुआ है। बहुत ही पोरस बॉर्डर है, जिसके लिए हमने मेन चौक जो चौराहे होते हैं, जो पोरस बॉर्डर्स होती हैं, वहाँ पे हमने टोटल 15 चेक पोस्ट लगाए हुए हैं। चेक पोस्ट में ग्राउंड स्तर पे ड्यूटी लगाई गई है कोटवारों की, सचिवों की, दल प्रभारी के रूप में संबंधित जो पटवारी होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी लगाने के अलावा लगातार हमारी तरफ से फूड डिपार्टमेंट, राजस्व, पंचायत और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार गश्त जारी है। किसी भी तरह का अवैध धान परिवहन या भंडारण पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा रही है और आगे भी इस पर और दुरुस्ती लाई जाएगी और कार्यवाही करती जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की सख्ती और जिलों के नाकों पर प्रशासन की कार्यवाही के चलते धान तस्कर अब धान को मुख्य मार्ग से न लाते हुए चोर रास्ते से धान को मंडियों में बेचने के लिए ला रहे हैं। अब प्रशासन ने भी सभी चोर रास्तों पर नाके लगाकर तस्करों के अरमान पर पानी फेर दिया। सरकार की कोशिश है कि धान की सरकारी कीमतों का लाभ सिर्फ राज्य के किसानों को मिले और सरकार की सख्ती का असर जमीन पर भी देखने को मिले, जिससे राज्य के धान उत्पादक किसान खुश नजर आ रहे हैं।